नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूँ ड्रीम इट के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो आज हम इस व्यवस्था में सबसे पहले जानेंगे कि संविधान सभा के द्वारा उदारवादी पंचायती व्यवस्थाओं में किस प्रकार से सुधार किया गया, और साथ ही साथ उदारवाद, समाजवादी, गांधीवादी, ये सारी प्रक्रिया कैसे अपनाई गई थी और कैसे संविधान में आर्टिकल 40 के द्वारा चीज़ों को व्यवस्थित किया गया था, और कैसे हम पंचायतों का क्रियान्वयन भारी औद्योगिकरण हो गया या सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे, ये सारी चीज़ों को भी हम इसमें चर्चा में रखेंगे। साथ साथ हम बलवंत राय मेहता समिति में जो जनपद खंड ग्राम में जो फर्स्ट पॉलिसी अपनी बताई थी 1958 में, उसको भी हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 1977 जो जनता पार्टी के द्वारा, अशोक मेहता के द्वारा जो मॉडल अपनाया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, उसको भी हम चर्चा करेंगे। और कैसे हम 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जो LVCME कमेटी आई थी, जिसमें हमने देखा कि कैसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, साथ ही साथ PK थुगना समिति के कैसे थे यूके के, और कैसे 64 संविधान जो है संशोधन हुआ था। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और इनको कैसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें PV नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी। तो इन सभी बातों को हम आज चर्चा करेंगे आप सभी के साथ, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि UPSC और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। चलिए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आप सभी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक डायग्राम बेस पे हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की मगिंग करने का या रट्टा वेकेशन चीज़ों को ना लगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि चर्चा क्या करेंगे हम लोग। तो हमने आपको बताया कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था, इसको आप एक डायग्राम बेस पे तैयार कर लें, ताकि मुख्य परीक्षा में ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो इसको हम एक डायग्राम बेस पे सबसे पहले, अगर कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो उसकी पृष्ठभूमि होती है, सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि को जानना है। आखिरकार हमें क्या जरूरत पड़ा कि पंचायती राज ग्रामीण में भी या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था की इम्पोर्टेंसी हमें दिखाई दी। तो संविधानवाद, जो संविधान सभा था उसमें कई लोग उदारवाद थे, उदारवाद के साथ साथ कई लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि समाजवादी थे, यानी कि देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, और साथ साथ हम गांधीवादी। तो गांधीवादी में आपने नाम सुना होगा SN अग्रवाल का, ये गांधीवादी थे। इनके द्वारा ही गांधीवादी विचारों को बाद में ज्यादा तौर पे अपनाया गया। और साथ ही साथ इसमें हम संविधान के आर्टिकल 40 में क्या क्या बातों का उल्लेख किया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम पंचायतों का क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, पंचायतों का क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम जो है औद्योगिकरण के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, तो बलवंत राय मेहता समिति के जो मॉडल है
उस पे भी हम चर्चा करेंगे। कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से जनपद खंड ग्राम और ये कब लागू हुआ, यानी कि सबसे पहले मॉडल लागू किया गया था 1958 में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कहाँ से लागू हुआ, कब कब लागू हुआ, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार उस टाइम पर थी, और उसी समय अशोक मेहता समिति ने भी अपनी प्रक्रिया दिया था पंचायती राज व्यवस्था पर, यानी कि 1978 में। ये कई बार आपको ईयरली में पूछ लिया जाता है और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनपद, यहाँ पे इन्होंने जनपद और एक आपका जो है मंडल, या हम जिसको हम कह सकते हैं तालुका खंड के बारे में इन्होंने जो है बताया था। ठीक है, इसके बाद हम पृष्ठभूमि की बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें तो 1958 में राजीव गांधी की सरकार थी, याद होगा आपको। 1984 में जो है ब्लू ऑपरेशन हुआ था, उसको भी ध्यान में रखिएगा ताकि आपको चीज़ें जल्दी से याद हो सकें। एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा कैसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और साथ ही साथ इसमें पी के थुंगना समिति ने कैसे सहयोग किया, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। और कैसे कैसे 64 संविधान संशोधन, उस पे भी हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 1992 में जब 73 संविधान संशोधन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने निकल कर के आई, या क्या क्या कमियां, या हम ये बोल सकते हैं कि 73 में ही क्यों इसको मान्यता मिला, या 1992 में ही क्यों मिला, पहले मान्यता मिला या नहीं मिला, ये भी हो सकता है ना। पीवी नरसिम्हा राव के इस टाइम पे गवर्नमेंट थी, तो इसको भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार 1992 में ही क्यों मिला। भारत को आज़ाद हुए लगभग 40 से 42 साल यहाँ पे हो चुके थे, और इतना देर बाद या इतने समय बाद ही क्यों ध्यान में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को केंद्रीय या सेंट्रल के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हम ये सभी चीज़ों को लेकर के चलेंगे और ये सभी इम्पॉर्टेंट पहलुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें और परीक्षा में वो सारी चीज़ों को लिख सकें। हम बता दें आपको कि 73 संविधान संशोधन क्या क्या विशेषता है, पहले वो बता दें, फिर पृष्ठभूमि पे भी हम आपको सारी चीजें एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि संविधान का ये जो है नौवां भाग के रूप में जाना गया, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और आर्टिकल की बात करें हम इसमें, तो
आर्टिकल 270 सॉरी 243 इसमें एड ऑन किया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं हैं, यानी कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम को जोड़ा गया था, जिसमें हम और आप जानते हैं त्रिस्तर में क्या क्या आता है। एक डायग्राम बेस जो बेस है उस पर समझ पाए तो समझिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल जनपद, सेकंड आपका जो है खंड, जिसे हम पंचायत भी कहेंगे, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे ग्राम पंचायत, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि जनपद पर, यहीं से चीज़ें मैं जोड़ना शुरू कर रहा हूँ, बताएं जनपद पर जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो आपको बताना है कि जो जनपद पर जो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय का चुनाव डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, है ना। आप कमेंट करके बताइए हमारे एप्लीकेशन पर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट होगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट होगा, जबकि मैं बता दूं कि यहाँ पे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे पीपल्स यहाँ पे नहीं चुनते हैं। ऐसे ही खंड पंचायत की बात करें तो यहाँ पे भी अध्यक्ष महोदय के लिए जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में है ना चुनाव जो सरपंच का होगा वो डायरेक्ट में होगा, और इसमें जो 5 वार्ड के सदस्य होंगे उनका चुनाव भी डायरेक्ट होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पंचायत में सबसे निम्न होते हैं वो ग्राम सभा होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए, और ये चीजें परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। साथ ही साथ खंड पंचायत एवं जनपद स्तर पर, यानी कि खंड पंचायत और जनपद स्तर पर संसद एवं विधायकों का यहाँ पे एक जो है प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें राज्य विधानसभाओं के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार जो है 73 संविधान संशोधन की भूमिका जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में कैसी भूमिका है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रल के साथ स्टेट और फिर निचले तौर पे हमने पंचायती राज व्यवस्था को सहभागी बनाया। तो आखिर क्यों हमने सेंट्रल और स्टेट ही क्यों नहीं रखा, क्योंकि क्यों का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अगर विश्लेषण आप लोग करें तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें एक एक पॉइंट को लेकर के देखें, तो सबसे पहले इसमें हम सहभागी शासन के साथ स्वशासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है निचले स्तर से अपर यानी कि केंद्र के साथ मेल मिलाप की नीति रखें। साथ ही साथ हम ग्राम सभा के द्वारा व्यक्ति मतदाता से बढ़कर के निर्णयकर्ता बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि व्यक्ति यहाँ पे वोट ही ना डाले, अपना जो है डिसीजन भी ले कि हम किसको चुनें, कौन हम पे शासन करे, ठीक है। पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से डायरेक्ट और आधारभूत लोकतंत्र की स्थापना की गई है ना। मैंने बताया था आपको कि
पंचायतों के द्वारा कैसे ग्राम सभा के माध्यम से डायरेक्ट और आधारभूत लोकतंत्र की स्थापना की गई है। एक तो हमने बताया आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे हो सकता है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और कैसे हमारे 73 संविधान संशोधन के द्वारा शक्तियों का ग्रामीण क्षेत्र पर यानी कि पंचायती राज व्यवस्था पर किस प्रकार से और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हम इसको जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं आप में से कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था में कैसे हम जो है फाइनेंस को एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ करके देखते हैं। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी जब आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पे हम बात करें वित्तीय वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में। तो यहाँ पे वित्तीय विकेंद्रीकरण में सबसे पहले देखें तो यहाँ पे पंचायती राज के द्वारा पहली बार पंचायतों को जो है यहाँ पे टैक्स आरोपित करने की शक्ति यहाँ पे दी गई थी 73 में, जो 73 संविधान संशोधन हुआ था उसमें। परंतु इसकी अनुशंसा कौन करेगा, टैक्स जो वसूलेगा उसकी अनुशंसा कौन करेगा, तो इसके लिए हमने जो है राज्य राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिश की है ना। टैक्स का अनुशंसा कौन करेगा, राज्य वित्तीय आयोग यहाँ पे करेगा। और राज्य वित्तीय आयोग के द्वारा टैक्स का जो राज्य है और पंचायत के बीच विभाजन का जो मानक डिसीजन है वो कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए कैसे राज्य यानी कि स्टेट और पंचायत के बीचों में कैसे हम निर्धारित करेंगे कि कौन सा टैक्स स्टेट लेगा और कौन सा टैक्स हमारा पंचायती राज व्यवस्था लेगा। तो हम इसमें देख सकते हैं है ना, इसमें हम कर सकते हैं क्या क्या हुआ कि राज्यों का टैक्स का विभाजन यहाँ पे हमने फाइनल किया कि किस पे राज्य पैसा लेगा और किस पे स्टेट लेगा, मतलब आपका पंचायती राज व्यवस्था लेगा है ना। और कैसे हम स्टेट को टैक्स और पंचायतों के लिए जो हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और कैसे फिर हम स्टेट से ग्रांट ले सकते हैं, अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिर साथ साथ हमने इस 73 संविधान संशोधन में देखा कि केंद्र के द्वारा कैसे और भी हम योजनाएं बना सकते हैं जिससे कि आगे चलकर के ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो सके, तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन सी शक्ति दी गई है, तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम इस चैप्टर को विस्तार रूप से तो अभी शुरू नहीं कर रहे, ओनली फॉर एक फ्रेम वर्क के रूप में समझ रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी कि सबसे पहले हम इसमें देखें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रामीण विकास, अब ग्रामीण विकास में क्या क्या आ सकती है मैं एक करके बताऊंगा, जिसमें आप देखेंगे ग्रामीण विकास में हम देखें तो सामाजिक वानिकी, सेकंड आपका हम देख लें लाइट प्रकाश जिसे आप कहते हैं, और फिर हम इसमें बिजली और आपके विद्युत एड ऑन करते हैं,
साथ ही साथ हम देखें तो कैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, यानी कि पानी, तालाब, सड़क हो गया आपका, सड़क के साथ आपका सिंचाई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। सेकंड हम बात करें, सेकंड आपका आ गया कृषि। कृषि में हम देखें तो सबसे पहले आएगा आपका भूमि, भूमि के साथ साथ आपका आएगा सिंचाई, सिंचाई के साथ आपका आएगा इसमें मछली पालन। और हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट पे आएगा आपका इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है इसमें हम लघु उद्योग को शामिल कर सकते हैं, खादी को शामिल कर सकते हैं, और साथ में हम कुटीर उद्योग को भी हम शामिल कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट की अगर बात करें कल्याण और सामाजिक न्याय के बारे में, तो क्या आप बता सकते हैं कि कल्याण और सामाजिक न्याय के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ शामिल हो सकती हैं और क्या क्या शामिल होना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है और उसको हम पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ही सही कर पाएंगे। तो आप सभी लोग जो है कमेंट करके चीज़ों को बताएं ताकि मैं ये समझ पाऊंगा कि कितनी आपको जो है जानकारी है इस विषय में, क्योंकि इसका हम विस्तार क्लास तो आगे करने वाले हैं ही। तो हमने पूछा आपसे कि कल्याण कल्याण सामाजिक न्याय के बारे में पूछा हमने आपसे, सुन पा रहे हैं आप लोग? तो हमने आपसे पूछा कल्याण सामाजिक न्याय के बारे में, तो कई लोग एजुकेशन को बता रहे हैं और कई लोग जो हैं इसमें गरीबी निवारण को बता रहे हैं। चलिए और बताइए, कई लोग स्वास्थ्य बता रहे हैं, हेल्थ। चलिए बहुत अच्छा बताया, इसमें आपका जो है शिक्षा, आपका हेल्थ, स्वास्थ्य, और साथ ही साथ इसमें जो है माता से संबंधित सुविधाएं, जिसे हम मातृ सुविधाएं भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम गरीबी निवारण की बात भी करते हैं, यानी कि हम हर एक व्यक्ति को समृद्ध बनाना चाहते हैं, इसलिए हम कल्याण सामाजिक निवारण की शक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र के साथ जोड़ करके बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन में जो है कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है 29 विषय को रखा गया था, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन की शक्ति पंचायतों को प्रदान की गई है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए था। साथ ही साथ अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगले चैप्टर की मतलब इसी 73 में क्या क्या और विशेषताएं हैं उसकी बात करें, तो सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण की भी बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कितना आरक्षण इनको दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज से 4 से 5 दिन पहले 2022 का जो है मुख्य परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन महिलाओं से लेकर के आया है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट जो पेपर हुए हैं उसको मैंने आपको सेंड भी किया था, तो देखा भी होगा आपने। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं
हम सोचते हैं कि महिलाएं आज कुछ भी नहीं कर सकती हैं, पर आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं पुरुष से कदम मिला करके चल रही हैं, और हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। चाहे आप डॉक्टर्स के क्षेत्र में देख लें, या फिर एजुकेशन फील्ड में देख लें, या सिविल सर्विसेज में देख लें, या आप किसी भी फील्ड में देख लें, महिलाओं की भूमिका आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी देख लें कि प्राचीन काल में हो या मध्य काल में हो, महिलाओं को चार दीवारी के भीतर रखा जाता था, सिर्फ उपभोग के लिए, संभोग के लिए। लेकिन आज जो है महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। तो आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जो है ना, कई सारे राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है, और कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण जो है पंचायती राज व्यवस्था में मिला है। चाहे वो जनपद जनपद पंचायत सदस्य की बात करें, या खंड पंचायत की बात करें, खंड विकास अधिकारी, खंड पंचायत अधिकारी, या ग्राम पंचायत या सरपंच में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, इन सभी में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। केरल जैसे राज्य हैं उनमें महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया है। अगर हम बात करें अध्यक्ष पद के लिए, तो यहाँ पे इस पद के लिए भी आरक्षण का निर्धारण किया गया है। और ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो ये निर्धारण है अध्यक्ष पद के लिए, जो आरक्षण का निर्धारण है, वो राज्य विधानसभा सुनिश्चित करेगी कि हमें कितना % महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि पंचायती के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे प्रत्येक स्तर के लिए, यानी कि इसमें हम महिलाओं के साथ साथ SC ST का आरक्षण की बात करें, तो ये SC ST के लिए जो है जनसंख्या के आधार पर ये चीज़ें निर्धारण की जाएंगी, और इनको भी आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। साथ ही साथ हम आरक्षण के प्रावधानों से ग्रामीण समाज में जो विद्यमान, आप सभी को पता है कि पितृसत्तात्मक सत्ता हम सभी ने अपना रखा है, यानी कि मैं पिछले कई फील्ड वर्क कर रहा था जिसमें डाटा कलेक्शन को लेकर के काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने करी है, और महिला पर विशेष रूप से, महिला सशक्तिकरण पर मैंने काम भी किया है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि महिलाओं को अपना स्वयं का डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता था, और कई सारी महिलाएं थीं जो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन बताने के लिए भी अपने घर में किसी पुरुष सदस्य को आगे रखती थी, वो स्वयं चीज़ों को नहीं बताती थी। यानी कि आज हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता को हमें समाप्त करने की जरूरत है, यानी कि इसकी और भी पहल की गई है, तथा समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक संसाधन के वितरण एवं राजनीतिक सहभागिता को बेहतर करने के अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि तभी तो हम एक समृद्ध और एक पढ़े लिखे भारत की नींव रख पाएंगे। तो इन सारी चीजों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की, तो इसमें क्या क्या हो सकती है, आइए हम इस पे भी चर्चा करते हैं। तो हम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इफ एनी कोई डाउट है तो आप जो है
कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, यानी कि पंचायती राज के द्वारा भारत में कलेक्टर राज को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है, यानी कि आप लोग भी कल को आईएएस बन जाएंगे तो एक कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कायम हो जाएंगे और अपने आप को भगवान समझने लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को, इस सिस्टम को लाया गया है ताकि कोई किसी पर हावी ना हो सके, सभी लोग सामान्य का कार्य जो है कर सकें। और यहाँ पे कलेक्टर प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। पंचायतों के इस जो हम कह सकते हैं कि नए युग में प्रशासनिक अधिकारियों से और भी कई सारी चीजें हम सीख सकते हैं, जिसमें हम प्रशासन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता की भूमिका बढ़ाई जाए। पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लोगों को बताना है कि आप जो है पार्टिसिपेट करेंगे पंचायती राज सिस्टम में, चुनाव में, तो आपको इससे क्या फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बताना है, जिससे कि इनको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास यहाँ पे कैसे हो सकता है। जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेंगे तो कैसे अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनको जागरूकता की कमी हो। तो हमें जो है जागरूकता फैलाने का भी काम यहाँ पे करना होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि कैसे और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। आपको बता दूं मैं कि जब मैं कुछ समय पहले, आज से 8 या 10 महीने पहले, मैं केरल में गया था, तो यहाँ पे केरल जो राज्य है, मतलब आप कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हो या हेल्थ सिस्टम में हो, हमेशा अव्वल रहता है। उसके पीछे कई सारे रीजन हैं। पहले हम बात करें, अगर एजुकेशन की ही बात करें, तो हमारे क्षेत्र में बच्चे क्या हैं, फर्स्ट टू लेकर के 5th क्लास तक हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चा अभी हमारा छोटा है, बाद में पढ़ाई करेगा। लेकिन मैंने ये देखा केरल में कि फर्स्ट क्या, हम यहाँ पे नर्सरी भी बोल सकते, नर्सरी क्लास लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों को जो माइंड सेट है फैमिली वालों का, परिवार वालों का, पेरेंट का, वो बहुत ही अच्छा है। उनका कहना है कि बच्चा अगर नर्सरी से लेकर के क्लास 5th तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, सारी चीज़ें 0 से लेकर के सीख रहा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चा हमारा होशियार हो जाएगा और उसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे क्षेत्र में बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे के पेरेंट क्या सोचते हैं कि बच्चा जी अभी छोटा है, बच्चा नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक बच्चा खेलने कूदने की उम्र है। अरे भाई, खेलने कूदने की उम्र कहाँ आएगी, जब आपने बच्चे का बेस ही कमजोर कर दिया तो बच्चा आगे कैसे अच्छा कर पाएगा, जरा बताइए। बेस को स्ट्रांग करेंगे, एक उदाहरण ही ले लेते हैं, जब आप खाना बनाते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, कुकर बंद करते हैं या उससे पहले मसाला वगैरह भी डालते हैं ना, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते होंगे, तेल डालते होंगे, प्याज डालते होंगे, फिर उसको फ्राई करते होंगे, फ्राई करने के साथ साथ और भी है ना, मसाला डालते होंगे, नमक डालते होंगे, टेस्ट करते होंगे, है ना, एक प्रोसेस है। तो जब तक आप उस प्रोसेस को नहीं करेंगे, सब्जी अच्छा कैसे बनेगा। जैसे पढ़ाई, अगर हम नर्सरी क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चों को है ना अच्छे और उसका बेसिक स्ट्रांग ही नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। फिर क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर आ जाता है 6th क्लास में बर्डन, 6th क्लास लेकर 12th क्लास तक बच्चा बर्डन, और बच्चा भी सोचता है कि मैं सिर्फ 6 से लेकर 12th क्लास तक पास हो जाऊं। देखें, अगर इसमें हम देखें 11th और 12th क्लास में देखें, बहुत सारे बच्चे हैं यूपी, बिहार,
हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, सब जगह। तो हम ये देखते हैं कि बच्चा पहले क्लास नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक बच्चा पढ़ता है मैथ, साइंस, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। लेकिन जब हम देखते हैं कि बच्चा जो है जब 11th क्लास में आता है तो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेता है, वो साइंस लेने की बजाय बच्चा क्या करता है, आर्ट्स लेता है। क्यों भाई? नहीं, मैथ हमसे तो पास हो ही नहीं पाएगा। क्यों? आखिर आपने 10 साल तक मैथ को पढ़ा है, साइंस को पढ़ा है, और आप जो है डायरेक्टली साइंस वाला, मतलब साइंस में जो होना चाहिए वो आप आर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या रीजन है? रीजन एक ही है, आपने अपना जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं किया। अगर आप बेस को स्ट्रांग कर लेते तो और अच्छा कर सकते थे। ऐसे ये है। तो मैं जब गया था तो वहां पे मैंने देखा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर, पंचायतों को कैडर कंट्रोल, यहाँ पे कैडर कंट्रोल लागू कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पे केरल में आईएएस अधिकारी पंचायती राज सिस्टम को नहीं चलाएंगे, वहां के लोग चलाएंगे, है ना, और वो बताएंगे, और वो अधिकारियों का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, ना कि अधिकारी करेंगे। यानी कि वहां पे लोगों के हाथ में है प्रशासन, लोग चलाते हैं सिस्टम को, पंचायती राज व्यवस्था को। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। चलिए, अब इसके साथ साथ जो है मैं आपको पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज के बारे में बता दूं, जिसे हम पेसा कहते हैं, है ना। इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राजों का विस्तार हुआ है तो किस अनुसूची के अंतर्गत हुआ है, और कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हम अब आपके साथ जो है पेशा के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम पीसा का जो है फुल फॉर्म आपके साथ शेयर करें, ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ जाएं, और अगर ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी आया है, तो हम देखें इसका फुल फॉर्म जो है पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरियाज एक्ट्स, यानी कि आपका एक्ट है, हिंदी में इसको हम कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार। तो आखिरकार ये क्यों, क्या रीजन था इसका लाने का? यानी कि कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसमें हिंदी का भी लिख देता हूँ, कई बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी के बारे में बताइए। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, ठीक है, ये इसका हिंदी फॉर्म है। चलिए अब मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ, और आप इसको अच्छे से करिएगा भी, ताकि चीज़ों को समझ में आए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, है ना, फिर PESC, ठीक है। ये किस अनुसूची में है? तो सबसे पहले आप अनुसूची फाइव में इसको स्थान मिला हुआ है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें जनपद स्वायत्तता परिषद, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है, जैसे कि मणिपुर, है ना, आप याद रखिएगा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। यहाँ पे क्या,
जनपद स्वायत्तता परिषद लागू है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और कई बार ये पीटी में आ चुका है और साथ ही साथ स्टेट में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि जनपद स्वायत्तता परिषद की जगह पे पंचायती राज व्यवस्था मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम लिख करके आता है और हम इसको सही कर देते हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पे गलत होगा। अगर हम बात करें गोरखा पर्वतीय परिषद, यहाँ पे भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, यानी कि जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख होगी, यानी कि जिन राज्यों में जो जनसंख्या है 20 लाख होगी, वहां पर दो स्तर पर पंचायती व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, तो इसको भी आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, 20 लाख जनसंख्या, क्योंकि ये भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम पांचवी अनुसूची क्या है थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ताकि अगर आपको याद रहे, है ना, ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। पांचवी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि जनजातीय आबादी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा ये फाइनली किया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा इसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसमें सलाह किसने दिया है, परामर्श किसने दिया है? तो राज्यपाल ने इन क्षेत्रों को से, है ना, इन क्षेत्रों के लिए जो है परामर्श दिया है कि ये क्षेत्र जो है इसमें रखे जाए। घोषित राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन सलाह राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और पंचायती राज की जगह जनजातीय परिषद को इसमें एड ऑन किया गया है। और इसमें कितने सदस्य होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, कितने सदस्य होंगे, मेंबर्स कितने होंगे? तो इसमें जो है 20 सदस्य इसमें होते हैं इसमें, और इसमें जो है 3/4 सदस्य राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें एड ऑन होंगे। तो इसको भी आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए हम अब आगे चर्चा करते हैं। आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए जल, जंगल, जमीन पर स्वामित्व बनाए रखने के लिए संसद के द्वारा 1996 में इस कानून को बनाया गया था, है ना, याद रखिएगा। 1996 में क्या, जल, जंगल, जमीन, है ना, तीन वर्ड याद रखिएगा, जल, जंगल, जमीन, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए जल, जंगल, जमीन पर स्वामित्व बनाए रखने के लिए संसद के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम सभा को केंद्रीय महत्व दिया जाता है, और ग्राम सभा के सरपंच अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से ही होना चाहिए। जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, सरपंच हैं, जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से ही होना चाहिए। और पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण भी दिया जाएगा। तो इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ ग्राम सभा के अनुमति के बिना जो ग्रामीण हैं वो ना तो भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पे लघु वन उत्पाद और स्थानीय जल संसाधनों पर यहाँ पे
अपना जो है स्वामित्व बता सकते हैं। साथ ही साथ जनजातियों की हितों की रक्षा के लिए यहाँ पे साहूकारी व्यवस्था, याद रखिएगा, यहाँ पे जो साहूकारी व्यवस्था है, साहूकारी व्यवस्था है, और जो नशीली पदार्थ है उसके बिक्री पर भी यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। इन क्षेत्रों में साहूकारी व्यवस्था और जो शराब है, अफीम है, गांजा है, इन सभी का यहाँ पे जो है एक तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर जो है जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि चलिए आप आए हैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो बताइए कि पंचायती राज को या पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ या शक्तिशाली बनाने के लिए आप कुछ जो है उपाय बताइए, और ज़्यादा नहीं, ये आप जो है 5 पॉइंट में अपने उपाय को बता सकते हैं। तो आप कौन कौन सी उपाय बताएंगे, कैसे हम पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे है? आप में से कोई बताइए कैसे और मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे मतलब जो मजदूर थे, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में, उनके साथ भी बहुत जो है करप्शन की शिकायतें मिली। और ये भी देखा जाता है कि पत्नी चुनाव लड़ती है और पति वहां पे काम कर रहा होता है, तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं और कैसे आप इन व्यवस्थाओं को और बेटर कर सकते हैं, जल्दी से आप जो है कमेंट करके बताइए ताकि हम इसमें अपने विचार जो हैं आपको बता सकें। यानी कि मैंने आपसे पूछा कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं, शक्तिशाली बनाने के उपाय पूछें, तो कौन कौन से उपाय आ सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि मैंने पहले हिंट कर दिया था, हमें करप्शन पर नियंत्रण रखना होगा, ठीक है, नियंत्रण करप्शन पर रखना होगा। साथ ही साथ हमारा सेकंड हमारा जो पॉइंट है प्रक्रियात्मक, यानी कि आर्टिकल 243 क्लोज जी में संशोधन की आवश्यकता है। पंचायत के 29 विषय अनिवार्य रूप में प्राप्त होने चाहिए, अनिवार्य शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। तो प्रक्रियात्मक में क्या, आर्टिकल 243 क्लोज जी में संशोधन की आवश्यकता है, यानी कि जो 29 विषय दिए गए हैं वो अनिवार्य रूप से पंचायत के हित में ही हो, जबकि ये स्टेट के रूप में भी काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो वित्तीय स्वायत्तता। अब आप कहेंगे कि वित्तीय स्वायत्तता में क्या क्या हो सकता है, तो वित्तीय स्वायत्तता में कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी जो है एक फ्रेमवर्क के रूप में चीजों को समझने का प्रयास किया, तो क्या क्या है आप कुछ बताइए फिर मैं बताता हूं। तो यहां पे आप वित्तीय स्वायत्तता में सारी चीजों को हम ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, है ना, जैसे कि केरला और आंध्रा में सभी चीज जो है ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल आधुनिक तकनीकों के द्वारा सभी दस्तावेज को डिजिटली बनाया गया है, यानी कि आप जो है जमीन खरीदने और बेचने से लेकर के गांव के
जो मैपिंग होता है वो सारी चीजों को उन्होंने डिजिटली कर रखा है आंध्र प्रदेश में और केरल में। यानी कि इसके साथ साथ वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य विद्या आयोग के अनुशंसा राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। राज्य वित्तीय आयोग के अनुशंसा जो है राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। और एक पांचवा और अंतिम पॉइंट, यहाँ पे कार्मिक नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ पे जो है कार्मिक नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि पंचायतों पर कार्मिक यानी कि आईएएस और पीसीएस का भी नियंत्रण होना चाहिए। पंचायतों पर जो है आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारियों का भी यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपके लिए होना चाहिए, ताकि और भी चीजें पंचायती राज व्यवस्था को ईजी कर सके और जो है शक्तियों का जो भी केंद्रीकरण है उसको पुनः रूप से और सही तरीके से संचालित किया जा सके। कोई भी और किसी प्रकार की कोई अगर समस्या और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और फिर हम अपनी जो आज क्लास है, क्योंकि बारिश होने से यहाँ पे नेटवर्क की समस्याएं काफी हो रही हैं, तो उसको भी ठीक करना है। चलिए एक मैं मेंस का क्वेश्चन बताता हूँ जो आने की संभावनाएं हैं या आ भी सकती हैं। तो देखिएगा, पंचायतों के द्वारा भारत में स्वयं शासन, पंचायतों के द्वारा भारत में स्वयं शासन की नींव रखी गई है, इसे प्रभावी बनाने के लिए आप कौन कौन से उपाय बताएंगे। फिर से सुनिएगा, पंचायतों के द्वारा भारत में स्वयं शासन की नींव रखी गई है, इसे प्रभावी बनाने के लिए आप कौन कौन से उपाय बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा, पंचायतों या पंचायतें केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ट्रिकिकल प्रश्न है, बहुत ही डायनेमिक है ना। तो पंचायतें केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं है, अपितु राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने के माध्यम है। यानी कि आपको बताना है कि पंचायत जो है कैसे एक राजनीतिक उपकरण नहीं है, और अपितु राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने के माध्यम है। इस पे भी आपको जो है डिस्कस करके सारी चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, कोई और डाउट हो या कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। आपके समक्ष हम 2 मिनट के लिए हैं, और ठीक अगला जो टॉपिक रहेगा हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, और कुछ हम मेंस के प्रश्नों को भी लेकर के चलेंगे।
चलिए जल्दी से करें। चलिए जो डाउट है बाद में पूछ लेंगे आप, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you so much.